खबर नवागढ़ से। समूचे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अंतर्गत एक ऐसा भी गांव है जहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। लोगों को आने जाने में भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के 2021 में भी ऐसा मंजर देखने को मिल जाएगा जहां जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खोरा भाटापारा में आज भी कोई सड़क नहीं है। भाटापारा में 1000 से भी अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं जिनका संपर्क बरसात में सभी जगहों से पूरी तरह टूट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारों को ले जाने के लिए 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए कि किस प्रकार एक वृद्ध मरीज को खाट पर उठाकर उसको घर ले जा रहे हैं और जिस मार्ग से वृद्ध को ले जाया जा रहा है वह मार्ग बिल्कुल ही संकरा है और इसी मार्ग में खेरा भाटापारा में रहने वाले विद्यार्थियों को भी आना पड़ता है। जिस मार्ग का गांव वालों आने जाने वाले के लिए प्रयोग करते हैं वह मार्ग खेत आने जाने के लिए है। जिस मार्ग का प्रयोग करने के लिए ग्रामीण मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड बनाने के लिए यहां के विधायक को भी अवगत करवाया जा चुका है, साथ ही इस समस्या से शासन व प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, पर किसी ने भी हमारी सूद नहीं ली है। इसलिए गांव वाले आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जरा सोचिए कि सामान्य मरीज को खाट पर उठाकर 5 किलोमीटर ले जाना पड़ता है, स्थिति क्या होती होगी जब एक गर्भवती महिला को खाट के सहारे ले जाना पड़ता है। कितनों की जाने चली गई। पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण सरकार की इसी उदासीनता के कारण खेरा भाटापारा के ग्रामीण बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। पुल बनाने के लिए नाले में कई वर्ष पहले पाया खड़ा किया जा चुका है पर पुल के छत गायब है। अब देखना है कि इस समाचार के प्रकाशन के बाद जनप्रतिनिधियों व शासन प्रशासन की आंखें खुलती है या केवल भाषणों में ही जनता की सेवा करने का दावा करते हैं। कुमार कश्यप, ग्राम खैरा भाटापारा। ये मेरा दादाजी है, उसका गोड़ टूट गया नहर में गिरने से, जाने का अब उसके इलाज में नायक के डॉक्टर यहाँ लगे थे। अब रास्ता तो आए तो खटिया में देवो के लगा था भाई, उसने जेचकी मेचकी वाला सब ला लिखा। अब सरकार तो ध्यान देती नहीं है, ना सरपंच ध्यान दे, ना सचिव ध्यान देते, ना कोई भी नेता मना थे। नारायण चंद्र लेखा जी थे, गाँव यह जीत थे, कहा थे मोतीलाल देव आंगन और दूर सुना थे। अब भाई जो बनेगा रोड बनेगा पुल बनेगा तहाँ फिर तहाँ 5 साल के बनेगा, देखा था खटिया में लेगा थान रोड मोटा सा नहर में गिर थान ये पर खेत में गिर थान रोड बन भी कैसे था। शिकायत करे हम कलेक्टर के, 1 साल हो गया तब वो कुछ नहीं ध्यान देते, सीओ पैसा निकाल देते तो पुल के भी देखा वो देखा। हाँ भी सोती तो तुम्हारे सत्यमासेगा एक घंटे घंटे में दो घंटे में समझ लुक रहता है यहाँ पर गर्मी 6 महीना और 6 महीने के बाद खेत में रास्ता खुला है रवंदे रवंदा जा थान। अब बिजली के तो उतने समस्या नहीं है लेकिन रोड 8 किलोमीटर दूर में लिखा मोरा माँ और मोरा अल्लाह क्या थान वो टिकल वाला था ना चार जन पाँच जन आवा भाई जितने जान पहचान जितने खटिया लेके आवा और उठा के लेको घर मरीज मल घर मकई के हाँ के घर के घर के बना के नहीं रखे हैं ना घर के हमर है मतलब। हाँ अब खास नहीं भाजपा है जगह खड़ा नहीं खटिया मांग के लेते हैं। अब रोज तो 6 महीने की तकलीफ है, अब कौन बताबो सर जगह जगह के दर नेता मल के नेता हाँ हाँ के देते वोट मांगे के बेर हाथ पाँच जोड़ के गोड़ तरी फलान फल बिजली भगा तब भाई के हो तो गए जानी का यही तो बोल दे तब रसे गांव के मरसे जमे कोनो जैसे के हो के कोनो दई जहर मोड़ो खाए तो लेसे साहब तभी तो लेसे लेखन कई भले कहीं साहब गांव खरा भाटा पारा के बस्ती तो बड़े चकाचक है। यहाँ 700-800 कम से कम 1000 ज्यादा है जनसंख्या, 80 घर भाग गए 1100 जनसंख्या लोग लेकर करके
और 700 के आसपास हमन और कहा मेरे पहा ओथी तो नगर पहा ज्यादा ई में सफा मोरा जात हन दे ये पर की बोता नहर में गिर ई में नहीं चलते कर सूखा है ये पर ता कहे घेटा के पर घेटा कांटम गिर है ये पर घेटा नहर में गिर जा। नाम राजेश कुमार साहू है। यहाँ तो हमन ला आजादी के कोई मतलब नहीं मिला है। काब पहली रहे तो हम अंग्रेज के गुलाम रहे हन, आज हम तो जनता के प्रतिनिधि मन के गुलाम हन। ओमन करा हन जाथन तो ओमन कुछ हमन ला मात्र खाली आश्वासन बस दे देते, चुनाव को होते ओकर बाद तो फिर कुछ वैल्यू ही नहीं है। गांव के सरपंच ला बोलथन तो वो तो बढ़िया गद्दी बराबर है, हमन के कोई वैल्यू ही नहीं है। ये दादी हमन ऐसे सोचा था कि हमन के जे मांग है ये रोड वाला मांग वो पूरा नहीं हो ही, तो या तो हमन चवी चुनाव बहिष्कार करबो या तो फिर हमन जाके कलेक्टोरेट के घेराव करबो। हमन कलेक्टोरेट में एक बार आवेदन भी दे चुके हैं, तुमन ला एक घड़ी बाद आवेदन घर में है ओला आके हमन दिखा भी सकत हन आवाज जवाब में। खैरा का आदमी है और इसका कंधा टूट गया है तो इसको हॉस्पिटल नहा के यहाँ लेके गए थे और चिखला पानी बरसात के दिन में बहुत रोड खराब है, वही परेशानी है। इस समय गाड़ी मोटर तो बहुत चिखला में चल नहीं पाता है और जो बड़े बड़े आदमी हैं शासन के लोग वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दो बच्चे हैं वो अमोरा जाने के लिए अब स्कूल साइकिल नहीं चलता है तो रंगत रंगत नहीं जाना है क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अभी कितने 4-5 किलोमीटर पर जाता होगा गाँव से अमोरा गाँव से ला रहे हैं, वहाँ पर अपना सुविधा में लाए हैं और इधर नहीं आ रहे हैं गाड़ी। खटिया में कौन सा गांव जाओगे अभी? खैरा जाएंगे, ये बहुत दिन के बने हैं। पैदावार जब से किधर ना? जब से मतलब हमन के सुरता नहीं है, जब से लगते हैं ऐसे खटिया में लगते हैं। खटिया या तो खटिया में नाना थन तेने खटिया में लगता है, खटिया में लाता है यही मतलब लगता है। या तो दाई है, बाबू है, बाबा है, जो तारी है, मान है, बच्चा है, सब है। नहीं बुला जाते हैं, चलो मेरे दादाजी खराब हो गया या हो गया कि कैसे कर कर तो आते हैं और हेल्प करते हैं। मर सकता है, मर सकता है यहाँ पर अगर अच्छा जल्दी जल्दबाजी नहीं हो पाता है तो आदमी मर सकता है। एक आदमी तो पता चल नहीं रहा है, मर सकता है, मर सकता है। जांजगीर से लगभग 15-20 किलोमीटर होगा, 15-20 किलोमीटर के आसमान। नवगढ़ से भी अब एक बराबर है समझो। ये तो थोड़ा चौड़ा है एकदम, मतलब दो मोटरसाइकिल नहीं बुलाता है, इसमें एक ही जाना आना पड़ता है, जाए को टाइम एक आए को टाइम एक। सब जाना थे कोई हेल्प नहीं करा थे, कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं।